चलिए, हम लोग बात कर रहे थे आपकी समसामयिक की घटना चक्र वार्षिकांक जो इस दृष्टि निकालता है, यूपीपीसीएस के टाइम जरूर निकालता है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे ये सभी एग्जामों के लिए आपका महत्वपूर्ण है बुक्स, फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें भी करंट पूछा जाता है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य भी देख चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देख चुके हैं, विधिक परिदृश्य भी देख चुके हैं, आर्थिक परिदृश्य में हम लोग लास्ट में बात किए थे आपका जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम है उसके बारे में। और एक लास्ट टॉपिक बचता है आर्थिक परिदृश्य में, वैश्विक सूचकांक के बारे में। इससे भी आप देखते हैं कि क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं, तो देख लेते हैं हम लोग वैश्विक सूचकांक को। और याद रखिए, जितनी भी आपकी क्लासें ली गई हैं अभी तक, वो सभी समसामयिकी घटना चक्र वार्षिकांक के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसी में डली हुई है, ठीक है? तो याद रखिए, तो फॉर्च्यून 40 अंडर 40 यानी कि 40 अंडर 40 फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा सितंबर 2020 में फॉर्च्यून 40 अंडर 40 सूची जारी की गई। तो सबसे पहले तो यही पूछे कौन जारी करता है, तो याद रखना फॉर्च्यून। इस सूची में 40 वर्ष से कम आयु के उन युवाओं को जगह दी गई है जिन्होंने अपने काम से अन्य लोगों को प्रोत्साहन किया है। इस सूची में वैश्विक स्तर पर 40 ऐसे प्रभावशाली युवाओं को शामिल किया गया है जिन्होंने 5 श्रेणियों यात्रा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, वित्त, मीडिया और मनोरंजन तथा सरकार एवं राजनीति में बेहतर प्रदर्शन किया है। सूची में शामिल प्रमुख भारतीय व्यक्तियों की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख जो CEO हैं, अडार पूनावाला, स्वास्थ्य सेवा श्रेणी में ने बायजूस रविंदन को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, और रिलायंस जियो बोर्ड की डायरेक्टर ईसा अंबानी को, और तथा आकाश अंबानी दोनों प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शामिल हैं, ठीक है? यानी याद रखिए, सायोमी इंडिया के प्रबंधक निदेशक मनु कुमार जैन भी सूची में आपके शामिल है। तो ज्यादा लोग शामिल नहीं है, बस आपको कुछ ही लोगों को याद रखना है, और याद रखना है कौन जारी करता है। बस फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2020 जारी की गई है, 522 2020। अगस्त 2020 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका है फॉर्च्यून, इसने विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची जारी की है। फॉर्च्यून ग्लोबल 2020 में जारी की गई है 500। विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में प्रसिद्ध अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट को शीर्ष स्थान यानी कि पहला स्थान दिया गया है। इस सूची में शामिल विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों ने वर्ष 2019 में 33.3 ट्रिलियन डॉलर का राजस्व और 2.1 ट्रिलियन डॉलर का लाभ प्राप्त किया है। आप समझते हैं कि हमारे मोदी साहब ने अभी कहा था, आपने सुना होगा, 5 ट्रिलियन की अमेरिकी, वो 5 ट्रिलियन की हमें इकोनॉमी बनाने हैं। यहाँ इन 500 कंपनियों के पास देखिए 33.3 ट्रिलियन डॉलर का राजस्व है और 2.1 ट्रिलियन डॉलर का लाभ भी प्राप्त हुआ है। याद रखिए कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की 7 कंपनियां भी शामिल की गई हैं, जिसमें आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले नंबर पर है, यानी कि भारत की बात कर रहा हूँ। समग्र रूप से बात करें तो 86,270 मिलियन डॉलर राजस्व के साथ 96 स्थान पर भारत, ये जो आपकी रिलायंस है इंडस्ट्रीज, इसे स्थान मिला है 96वां, ठीक है? भारत में सबसे ऊपर है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 69,240 मिलियन डॉलर राजस्व के साथ 151वें स्थान पर है। ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC इसे 57,171 मिलियन डॉलर राजस्व के साथ 190वें स्थान पर मिला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI की बात करें तो 51,091 मिलियन डॉलर राजस्व के साथ 221वें स्थान पर रहा है। भारत पेट्रोलियम 40,410 मिलियन डॉलर राजस्व के साथ 309 स्थान पर। टाटा मोटर्स की बात करें तो 37,242 मिलियन डॉलर राजस्व के साथ 337वें स्थान पर है। राजेश एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 27,590 मिलियन डॉलर राजस्व के साथ 462वें स्थान पर है। तो आप समझ सकते हैं कि आधे से अधिक आपकी इकोनॉमी इन्हीं कंपनियों के पास रखी हुई है। एक कंपनी ए मालिक, आप सोचिए कि हमारी भारत सरकार से अमीर है एक तरह से आप कहिए। अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2020 भी जारी की गई है। 7 अप्रैल 2020 को 34वीं वार्षिक फोर्ब्स अरब सूचियों की
अरब सूची जारी की गई है। इस सूची में शामिल विश्व के सर्वाधिक अमीर व्यक्तियों की निवल संपत्ति 8.0 ट्रिलियन डॉलर है। कितनी? 8.0 ट्रिलियन डॉलर है। इस वर्ष की सूची में 113 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ विश्व में सर्वाधिक धनी व्यक्ति अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं। ये हर कोई भी रिपोर्ट आती है उनमें यही टॉप दिख रहा है। ठीक है, यह लगातार तीसरा अवसर है कि जब बेजोस को इस सूची में तीस स्थान यानी कि पहला स्थान मिला है। 98 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स दूसरे स्थान पर हैं और 76 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ वर्नार्ड अर्नाल्ट अर्नाल्ट एंड फैमिली तीसरे स्थान पर है। किस नंबर पर? तीसरे। अरबपतियों की इस सूची में विश्व की सबसे धनी महिला एलिस वाल्टन है। तो महिलाओं की सूची में अगर आपसे पूछे तो महिलाएं एलिस वाल्टन। ठीक, यह 54.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ समग्र रूप से इन्हें नौवा स्थान, कौन सा? नौवा स्थान मिला हुआ है। पहली पर आपकी जेब बेजोस महिलाओं में सबसे ऊपर है। जहां सबसे वृद्ध अरबपति की बात करें तो सिंगापुर के चांग यून चुंग है। इनकी उम्र है 101 वर्ष, जिनकी संपत्ति 1.1 बिलियन डॉलर की है। आप समझिए कि जाने की उम्र है, मतलब आप सोचिए फिर भी इतना रखे हुए हैं। विश्व की सबसे युवा पति महिला अमेरिकी काइली जेनर की है। ये 14 सबसे युवा अरबपति अमेरिका की काइली जेनर है, 22 वर्षीय है, जिनकी संपत्ति 1 बिलियन डॉलर की है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ 25 से 30 साल में बचकाना रहता है, यहाँ अरबपति बन जाता है। यही तो फर्क है, इसी का नतीजा आप देखते भी हैं। आगे आगे फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में 2020 में सर्वाधिक अमीर भारतीय मुकेश अंबानी 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ 21वें स्थान पर है। भारतीय महिला अरबपतियों में सावित्री जिंदल एवं परिवार 4.8 बिलियन डॉलर शीर्ष पर है। समग्र रूप से इन्हें 249वां स्थान मिला है, लेकिन भारत में सबसे ऊपर यही है महिलाओं में। और पुरुषों की बात करें तो 21वें नंबर पर, वैसे टोटल में 21वें नंबर पर है मुकेश अंबानी, लेकिन भारत में बात करूं तो यही टॉप पर है। फिर आपने देखा होगा कि फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची भी जारी की गई है। 16 दिसंबर 2019 को आर्थिक पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा भारत की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची 2019 जारी की गई। यह सूची वर्ष 2010 से प्रतिवर्ष यानी कि हर साल जारी की जाती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL ने फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची में 2019 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस क्रम में इसने भारतीय तेल निगम को पीछे छोड़ा है, IOC को, जो विगत 9 वर्षों से भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई थी। तो इस साल कौन पहुंच गया है? जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये नंबर वन पर पहुंच गया है। 9 साल तक कौन रहा है? IOC, भारतीय तेल निगम। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पहली निजी कंपनी है जिसे देश की सबसे बड़ी कंपनी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। वित्त वर्ष 2019 के दौरान RIL का राजस्व 5.58 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि IOC का राजस्व समान अवधि में 5.36 लाख करोड़ रुपए रहा। यानी कि आप कहिए कि सरकार की कंपनियां भी घाटे में हैं, समझ रहे हैं, और ये निजी कंपनियां भी तरक्की कर रही हैं। RIL को यह उपलब्धि उसकी उपभोक्ता आधारित सेवाओं, गठित खुदरा व्यापार तथा दूरसंचार क्षेत्र में हुई वृद्धि के कारण प्राप्त हुआ है। आप समझिए कि आपने सोचिए कि उस समय पहले इन्होंने फ्री नेट दिया, सुविधा दी, आपने देखा होगा कॉलिंग भी फ्री। उसके बाद आप कितनी भी सिम सोचिए, अगर 1 करोड़ भी सिम बिकी होंगी उस समय, तो आप सोचिए कि चलिए 50 लाख ने बंद भी करवा दी होंगी। चलिए मान लेते हैं 50 लाख यूज करना बंद कर देंगे फ्री मिलने के बाद, पैसा जब लगने लगेगा, लेकिन कम से कम 50 लाख तो यूज करेंगे। अब 50 लाख का आप समझ रहे हैं, वैसे तो सस्ता डाटा मिल रहा है तो हर कोई यूज कर रहा है, तो बड़े समझदार हैं वो लोग, समझ रहे हैं, घाटा कभी नहीं चाहेंगे अपना। फोर्ब्स 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची भी 2019 में जारी की गई है। ये 12 दिसंबर 2019 को अमेरिकी व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं नामक सूची जारी की गई है। फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में
इस बार 23 बार महिलाओं को पहली बार शामिल किया गया, 23 महिलाओं को इसमें पहली बार शामिल किया गया। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल को लगातार 9 वर्ष में भी वर्ष विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला घोषित किया गया। यानी ये सीधा सा कहने में का मतलब है कि 9 साल से एंजेला मार्केल ये जर्मनी की चांसलर है, एक टॉप पर बनी हुई है। अगर दूसरे स्थान की बात करें तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टिन लेगार्डे को प्रदान किया गया है, ठीक है, दूसरे स्थान पर। वर्ष 2019 की सूची में सबसे युवा महिला के रूप में स्वीडन की 16 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग 100वां स्थान मिला हुआ है। आप लोगों ने देखा हुई होगा, ग्रेटा थनबर्ग के बारे में सुना भी होगा, ठीक है। 2019 की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाओं को भी शामिल किया गया। तो भारतीय महिलाओं की जरूर याद रखा करिएगा। हमारी जो वित्त मंत्री साहब है निर्मला सीतारमन, इन्हें 34वीं रैंकिंग मिली हुई है, इन्हें पहली बार इस सूची में स्थान भी मिला है। HCL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोशनी नडार मल्होत्रा को 54वां स्थान मिला है और बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार को 100 को ये 65वां स्थान मिला है। तो इन 3 महिलाओं के बारे में जरूर याद रखिए भारतीय, ठीक है। फिर आप देखेंगे बिजनेस टू कंज्यूमर B2C ई कॉमर्स इंडेक्स 2019 भी जारी किया गया है। 3 दिसंबर 2019 को अंकटाड कौन जारी करता है? अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा व्यापार से उपभोक्ता ई कॉमर्स सूचकांक 2019 जारी किया गया है। ई कॉमर्स सूचकांक के माध्यम से ऑनलाइन खरीदारी पर आधारित बाजार को सहायता प्रदान करने में किसी अर्थव्यवस्था तात्परता का मापन किया जाता है। इस सूचकांक के अनुसार ई कॉमर्स में यूरोप सबसे अधिक तत्पर क्षेत्र बनकर उभरा है। इस सूचकांक में विश्व के 152 देशों को सूचीबद्ध भी किया गया है। B2C ई कॉमर्स सूचकांक में 2019 में शीर्ष 5 देश कौन कौन से है? टॉप पर नीदरलैंड पहले नंबर पर, दूसरे पर स्विट्जरलैंड, तीसरे पर आपका सिंगापुर, चौथे नंबर पर फिनलैंड, पांचवें नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इस सूचकांक में अंतिम 5 स्थानों की बात करें तो नाइजीरिया को 152, चाड को 151, बुरुंडी को 150, कोमोरोस को 149, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 148वां स्थित है। B2C ई कॉमर्स सूचकांक 2019 में भारत विश्व के 152 देशों की सूची में 57.0 सूचकांक मूल्य के साथ 73वें स्थान पर रहा है, जबकि अगर 2018 की बात करें तो 80वें स्थान पर था। तो इस सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आप लोग जानते हैं कि भारत बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, हर जगह पूछा जाता है भारत से ही अधिकतर क्वेश्चन, तो भारत को 73वां स्थान मिला है। और वहीं आप देखेंगे 2018 में कितना था, ये 80वां स्थान था भारत को, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 भी जारी किया गया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाया गया सूचकांक है जो विश्व आर्थिक मंच यानी कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसके द्वारा जारी की जाते हैं। ये 2006 से प्रत्येक वर्ष जारी भी किया जा रहा है, तो याद रखिए 2006 से हर साल जारी किया जा रहा है। वो किसके द्वारा? आर्थिक मंच के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इस सूचकांक का नवीनतम संस्करण दिसंबर 2019 में प्रकाशित किया गया। यह सूचकांक 4 क्षेत्रों आर्थिक भागीदारी एवं अवसर और शैक्षणिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण के आधार पर जारी किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि इन 4 क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए इसे एक तरह से बनाया जाता है। यह सूचकांक 0 से 1 के स्कोर के मध्य विस्तारित है, जिसमें आप देखेंगे 0 शून्य का अर्थ होता है पूर्ण लैंगिक असमानता और 1 का अर्थ होता है पूर्ण लैंगिक समानता। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में कुल 153 देशों को शामिल किया गया। कितने? 153 देशों को शामिल किया गया है। आपका रिपोर्ट में आइसलैंड को सबसे कम लैंगिक ये क्या किया गया है, आइसलैंड को इसमें सबसे कम लैंगिक भेदभाव वाला देश और यमन को सर्वाधिक लैंगिक भेदभाव वाला देश रखा गया। तो याद रखिए टॉप पर आइसलैंड और सबसे नीचे यमन रहा है, ठीक है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में अगर हम लोग टॉप 5 देशों की बात करें तो आइसलैंड पहले, नॉर्वे दूसरे, फिनलैंड तीसरे, स्वीडन आपके चौथे, निकारागुआ ये 5वें पर। तो आइसलैंड पहले पर है, इसका स्कोर है
0.877। ठीक है, स्कोर वैसे कम ही पूछा जाता है, कभी कभार अगर पूछ लिया हो तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इनकी एक तरह से क्रम जरूर पूछते हैं। वर्ष 2020 में कुल 153 देशों की सूची में भारत का स्थान 112 बारह है, जबकि विगत रिपोर्ट में बात करें तो इसका स्थान 108वां है। कितना नंबर का? 108 का। रिपोर्ट के अनुसार 153 देशों में किए गए सर्वेक्षण में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत राजनीतिक क्षेत्र से कम है। ठीक है, तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? 112वां, और पिछले साल 108वां। यानी कि हम कह सकते हैं हमारी स्थिति कोई अच्छी नहीं है। भारतीय राजनीति में आज भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बहुत ही कम है। आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में केवल 14.4% महिलाएं ही संसद में प्रतिनिधित्व हैं। विश्व में 122वां स्थान है, जबकि मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी केवल 23.1% ही। विश्व में 69वां स्थान है भारत को। और वैसे भी आप देखिए, अपने क्षेत्र में देख लीजिए, कम ही आपके यहाँ देखेंगे महिलाएं विधायक चुनी हुई दिखाई देंगी, मुश्किल से एक आध दो, समझ रहे हैं? और बड़ी बात, अच्छी बात है अगर आपके यहाँ से बहुत लोग चुने जाते हैं आपके जिले से महिलाओं के रूप में। ठीक है, फिर आप देखेंगे फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट भी 2019 जारी की गई है। 10 अक्टूबर 2019 को फोर्ब्स द्वारा 100 भारतीय धनी लोगों की सूची जारी की गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी 51.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ पुनः सर्वाधिक धनी भारतीय रहे हैं। गौतम अडानी 15.7 बिलियन डॉलर और हिंदुजा बंधु 15.6 बिलियन डॉलर क्रमशः दूसरे और तीसरे सर्वाधिक धनी भारतीय रहे हैं। आपने देखा है कि हुरोन इंडिया रिच लिस्ट 2019 भी, तो 25 सितंबर 2019 को हुरोन रिपोर्ट इंडिया IIFL वेल्थ द्वारा हुरोन इंडिया रिच लिस्ट 2019 जारी की गई है। यह रिपोर्ट का 8वां संस्करण है, जिसका पहला संस्करण वर्ष 2012 में किया गया था। तो पहला अगर आप पूछे तो 2012 में। इस सूची में भारत में जन्मे या भारत में पढ़े लिखे पले बड़े ऐसे भारतीयों को शामिल किया गया है जिनकी व्यक्तिगत संपत्ति 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक है। इस रिपोर्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 3,80,700 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ लगातार 8वीं वर्ष सबसे अमीर भारतीयों की सूची में शामिल है। जहां महिलाओं में अगर बात करें तो 36,800 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ रोशनी निराड़ सर्वाधिक अमीर भारतीय महिलाएं, वहीं 3,80,700 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ अंबानी परिवार सबसे अमीर भारतीय परिवार भी है। 75 यानी कि 7,500 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ ओ सम्स रोम्स के रितेश अग्रवाल सबसे कम यानी कि 25 वर्ष के, इनकी 25 साल उम्र है, अरबपति है। ठीक है, 7,500 करोड़, समझ रहे हैं आप लोग। फिर आगे देखेंगे आप लोग, ये है आपके पालोन जी मिस्त्री 15 बिलियन डॉलर चौथे स्थान पर, जबकि उदय कोटक 14.8 बिलियन डॉलर के साथ 5वें स्थान पर। बायजू रविंदन 1.91 बिलियन डॉलर सबसे कम उम्र के यानी कि 38 वर्ष के सर्वाधिक धनी भारतीय हैं। 5.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ सावित्री जिंदल सर्वाधिक धनी भारतीय महिला है। समग्र रूप से इन्हें 12वां स्थान मिला है, लेकिन महिलाओं में यही टॉप पर है। फिर आपने देखा होगा कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019 जारी किया गया। अक्टूबर 2019 में वैश्विक स्तर पर महामारी और महामारी के खतरों को पहला व्यापक सूचकांक वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2019 जारी किया गया। यह सूचकांक न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एवं जॉन हॉपकिंग्स सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी द्वारा द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सहयोग से विकसित किया गया है। इस सूची में कुल 195 देशों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जिसका स्कोर रहा है 83.3। तो याद रखना है आपको कि 195 देशों ने इसमें भाग लिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पर आया है। ठीक है, और किसने जारी किया है? न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और एवं जॉन हॉकिंग्स सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी द्वारा द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सहयोग से EIU के सहयोग से जारी किया गया। सूचकांक में इक्वेटोरियल ग्रीनी जिसका स्कोर 16.2 अंतिम स्थान यानी कि 195 स्थान मिला है। इस सूचकांक में भारत को 57वां स्थान मिला है, जिसका स्कोर है 46.5। तो अमेरिका पहले नंबर पर और गिनी ये सबसे नीचे,
195, भारत की बात करें तो 57वीं नंबर। ठीक है, फिर आपने देखा है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भी जारी किया गया है 2019 में ही। 12 सितंबर 2019 को फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी की गई है, तो इस इंस्टीट्यूट को भी याद रखिए। इस रिपोर्ट में 162 देशों को उनकी आर्थिक स्वतंत्रता के अनुसार वरीयता यानी कि क्रम मिला हुआ है। 2017 के आंकड़ों के पर आधारित रैंकिंग में विश्व में आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में शीर्ष 3 देश रहे हैं, हांगकांग पहले नंबर पर, सिंगापुर दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर। इस सूची में सबसे कम आर्थिक स्वतंत्रता वाले 3 देश क्रमशः वेनेजुएला 162, लीबिया 161, सूडान 160, और भारत की बात करें तो 79वीं रैंक मिली हुई है। तो टॉप में अगर आपसे पूछे तो कौन है, हांगकांग एक नंबर पर, नीचे पूछे सबसे तो वेनेजुएला, और भारत की स्थिति पूछे तो 79 है। ठीक, यहाँ कुछ आपके और पॉइंट भी दिए गए हैं, सूक्ष्म दृष्टि यानी कि इन्हीं से संबंधित जो पढ़ा है उन्हीं से संबंधित है। एक तरह से इनका क्या रहता है कि वनडे एग्जाम के लिए डायरेक्ट पूछ लेता है। दुबई वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन किया गया जाएगा 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक दुबई में। भारत अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर CII एक्जिम बैंक के 15वें सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा 24 सितंबर 2020 के मध्य। 2 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में शीर्ष 5 देश रहे, स्विट्जरलैंड फर्स्ट, स्वीडन दूसरे, US तीसरे, UK चौथे, नीदरलैंड 5वें। तो याद रखिए स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है। अगस्त 2020 में एक नया बचत खाता जिसका नाम एक्सिस लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट है प्रारंभ किया है एक्सिस बैंक द्वारा। अगस्त 2020 में वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020-25 जारी की गई है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, RBI के द्वारा। अगस्त 2020 में RBI द्वारा जारी वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020-25 हेतु 5C को शामिल किया गया है। 5C क्या है, इसमें सामग्री देखेंगे यानी कि कंटेंट, कैपेसिटी क्षमता, कम्युनिटी यानी कि समुदाय, कम्युनिकेशंस यानी कि संचार, और इसमें सहयोग यानी कि कोलैबोरेशन। ठीक है, सहयोग। अगस्त 2020 में भारतीय निर्यात आयात बैंक द्वारा बिजली आपूर्ति गुणवत्ता में सुधार हेतु 250 मिलियन डॉलर रेट का समझौता हुआ है मोजाम्बिक के साथ। किसके साथ, मोजाम्बिक के साथ। जुलाई 2020 में क्रेडिट ब्यूरो फार्म ट्रेन यूनियन सिविल केविल के सहयोग से MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है सिडबी के द्वारा। जुलाई 2020 में ब्रोकरेज फार्म सिटी ग्रुप ने वर्ष 2020-21 हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में संकुचन होने का अनुमान लगाया है 6% का। कितना, 6% का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता एवं बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के मध्य नई शिपिंग सेवा का आरंभ किया है 3 जुलाई 2020 को। जुलाई 2020 में ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक ई वेस्ट उत्पादन देश कौन कौन से हैं, चीन पहले नंबर पर, USA दूसरे नंबर पर, भारत तीसरे नंबर पर। ठीक है, तो चीन पहले नंबर पर है, USA दूसरे नंबर पर है, भारत तीसरे। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कुल ई वेस्ट उत्पादित हुआ है 53.6 मिलियन मैट्रिक टन। ग्लोबल ई वेस्टर मॉनिटर रिपोर्ट 2020 के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति ई वेस्ट औसतन उत्पादन है 7.3 किलोग्राम। जुलाई 2020 में भारत और भूटान के मध्य एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है, कौन सा है, जयगांव अहले व्यापार मार्ग। ठीक है, इसको याद। जुलाई 2020 में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की वार्षिक औसत GDP वृद्धि दर में संकुचन अनुमानित है -4.5% का। जून 2020 में भारत में सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांडों की सूची ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2020 में लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर काबिज है टाटा ग्रुप, LIC दूसरे पर और रिलायंस आपकी तीसरे नंबर पर। जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट अपडेट के आंकड़ों के अनुसार बस 2019-20 और 21 में भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर अनुमानित है 4.2% -4.5% और 6%। वर्ष 2018 में ये 6.1% थी।
ऊर्जा पारगमन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुए स्वीडन को, भारत को 74वां, भारत को कौन सा नंबर 74। ऊर्जा पारगमन सूचकांक 2020 में द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः रहे स्विट्जरलैंड फिनलैंड, और सूचकांक में अंतिम स्थान मिला है हेती को 115वां, हेती को 115वां। तो इसी के साथ आपका देखिए बहुत बड़ा एक तरह से हिस्सा खत्म हो गया है। राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म कर चुके हैं, विधिक परिदृश्य खत्म हो चुका है, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य भी आपका खत्म हो चुका है, आर्थिक परिदृश्य भी आपका खत्म हो चुका है। आगे बात करेंगे हम लोग आपका वैज्ञानिक परिदृश्य, यानी कि जो भी 2019-20 में आपकी घटनाएं घटी हुई हैं वैज्ञानिक क्षेत्र में, उस पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है।